जी हाँ, ए स्केप्टिक। जी हेलो मुफ्ती साहब, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बिल्कुल। जी मुफ्ती साहब, लास्ट टाइम मेरा जो आर्ग्यूमेंट था आप शायद समझे नहीं या आई डिडंट पुट इट वेल। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि कुरान की एक आयत है जो चैप्टर 36 वर्स 38, जो कहती है कि सन रन्स ऑन टू ए टर्म अपॉइंटेड फॉर इट। तो आप इसके लास्ट टाइम तफसीर क्यों में आए थे आप? अच्छा, वो ये जो हमजा के साथ जो है। जी 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 वो इसलिए मैं आया था। हाँ, अच्छा, जी, आप अभी वहीं उसी आर्गुमेंट लेकर आ गए। जी बोले बोले। जी, तो उस वर्स की तफसीर में नबी ये कह रहे हैं कि जो अर्थ के अराउंड जो हमारी अपेरेंट ऑर्बिट दिखती है हमें, जो तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इस वर्स की तफसीर में। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि कुरान जियोसेंट्रिक है ना। कुरान जो सन की ऑर्बिट की जो बात कर रही है वो जियोसेंट्रिक हो गई फिर। नहीं भाई, मैंने और हमजा अंद्रेस जॉर्टिस ने भी ये बात कही थी आपसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जर, गालिबन वो अबू जर गफारी की से बात कॉन्वर्सेशन हो रहा है, अगर जी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो एक आम शख्स को, यानी अगर हमारे एतबार से वो सहाबी हैं, लेकिन जाहिर है कि वो दुनियावी एतबार से वो एक आम शख्स हैं, तो उनको वो बता रहे हैं जो नेच जो नेच जो जो बजाहिर दिख रहा है, उनको वो बता रहे हैं। और जो बजाहिर दिख रहा है, और साइंटिफिकली भी जो सन है वो रोटेशन में तो मुस्तकिल है ना, मूवमेंट में तो है मुस्तकिल या जी नहीं है? है या नहीं है? सॉरी सॉरी रिपीट करिए। जो सन जो है, सूरज मुस्तकिल मूवमेंट में है या नहीं है? जी है है। तो क्या उस आयत से या उस हदीस को भी अगर आप रखेंगे दोनों को एक दूसरे से, ये पता चलता है कि सन रोट मूवमेंट में नहीं है? सन मूवमेंट में है, लेकिन किसके अराउंड में है वो नबी बता रहे हैं कि नहीं, वो किसके अर्थ के अराउंड अराउंड में में ये है। नहीं बताया उन्होंने, किसके अराउंड में ये नहीं, उसमें ये नहीं है कि ये जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसमें सिर्फ वो ये सनराइज और है। सनसेट की बात कर रहे हैं ना, सन की राइजिंग और सेट की यही बात कर बात रहे हैं। उससे तो पहले भी आई थी भाई, मेरे भाई यही बात उस वक्त भी आई थी, और मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, चूंकि उस वक्त भी आपने 20 मिनट जाए कर दिए थे। आप इसको तस्लीम नहीं करते हैं कि हम सनराइज के लिए सनराइज का लफ्ज बोलते हैं या नहीं बोलते इंग्लिश में? अभी आपने सनराइज बोला, बोला कि नहीं बोला? जी बोलते हैं जी साइंटिफिकली ये लफ्ज सही है या गलत है? जी मुफ्ती साहब, प्रॉब्लम ये है कि ये कुरान की तफसीर में कहा जा रहा है ना, तो कुरान को मैं ऐसे ये कह रहा हूं कि साइंटिफिकली हमारा सनराइज सनसेट बोलना सही है या गलत है? टेक्निकली तो गलत है, लेकिन ये टेक्निकली गलत है ना, ठीक है, ओके। जी लेकिन हम ये लफ्ज बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा जी ही हमें नजर आ रहा है। इसी तरीके से जब हम सहाबा, जब रसूल ने सहाबी से गुफ्तगू की, तो जैसा लोगों को नजर आ रहा है वही लफ्ज तो बोलेंगे ना। अगर वो उनको ये बता, उस वक्त जियो सेंट्रिक और हेलियो सेंट्रिक की बात कर रहे होते तो सहाबी को तो कभी भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नेचुरल फिनोमिना है उसको डिटेल्स के अंदर कभी बयान नहीं किया। लेकिन ये कुरान की इंटरप्रिटेशन है ना मुफ्ती साहब। कुरान की इंटरप्रिटेशन जरूर है, लेकिन कुरान की इंटरप्रिटेशन सिर्फ इतना हिस्सा है कि जिसमें सूरज का अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे होना पता चलता है, ये हिस्सा। रही ये बात कि सनराइज होता है सनसेट होता है, वो हीलियोसेंट्रिक है कि जियोसेंट्रिक है, ये कुरान की इंटरप्रिटेशन नहीं है। लेकिन वो सब हजरत मैं एक तो बात उस कर रहा हदीस में है हूं, ना। स्केप्टिक भाई मैं आप ना फिर उस तरह ही टाइम ले जाएंगे। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली ये करता नहीं होता, मगर मैं एक चीज ये कर रहा हूँ। मैंने इस पे ना एक प्रोग्राम, अगर मुफ्ती साहब इजाजत दें तो, मेरे चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम पड़ा है 1 घंटे का, क्या सूरज अर्श के नीचे सजदा करता है, हदीस का साइंटिफिक एरर। मैंने 1 घंटे का प्रोग्राम किया है, अगर आप उसको देखें आपको पता चलेगा। जो आप ये कह रहे हैं ना कि वो कुरान की तफसीर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल ही नहीं है, वो आयत, वो हदीस निकालें आप, वो नबी पाक जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीर बोली नहीं, वो सहाबी और बिल्कुल, ताबी का कौल है, सहाबी ने नबी का उसको ऐड कौल कर दिया उस आयत को। ऐड बिल्कुल सही किया कह है। रहे हैं भैया, मुझे याद हाँ आया। जी हाँ हाँ, जी, तो वो हदीस पूरी पढ़ें, अच्छा मैंने उसका पूरा प्रोग्राम किया। काइंडली पहले उसको देख लें ताकि दोबारा हमारा वक्त जाया ना हो। जजाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एक अच्छा चीज अच्छा और ठीक है मैं, मुफ्ती साहब एक चीज और मैं स्केप्टिक भाई, जी, ये सूरह कियामा में ना एक आयत है, आप पढ़िएगा, वहां पर जो सन का जो एक्चुअल जो रिजॉर्ट है वो बयान किया गया है। आप जो इसकी जो तशरीह जो करना चाह रहे हैं कि वो किसी ऐसे मोमेंट के अंदर है जो किसी जियोसेंट्रिक पॉइंट के अराउंड है, ये कुरान खुद उसकी तफसीर ऐसे नहीं करता है।
ठीक है, ये रिसर्च का मैटर है, मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं क्लियर हूँ इस टॉपिक के ऊपर, मैं इस पे किसी से भी बात कर सकता हूँ। सूर्य कियामा और सूर्य लैल और सूर्य शम्स को आप मिलाकर पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा वो मूवमेंट क्या है। और दूसरी बात ये कि पूरा जो पैसेज है सूर्य यासीन का, आयत नंबर 37 to 40, चार आयत का पैसेज है, इसकी चार इंटरप्रिटेशन है जो मुझे पता है, और उन चारों इंटरप्रिटेशन पर जब भी मिलाता हूँ तो मुझे कभी भी ये जियोसेंट्रिक नहीं नजर आता। ठीक है, थोड़ा रिसर्च कीजिए इस पे, मैं कभी थोड़ा सा हिम्मत करके अगर वो देख लेना स्केप्टिक भाई, अगर थोड़ा सा हिम्मत करके आप, थोड़ा सा आपको लगेगा टाइम, मगर देख लीजिए उसको, आपको पता चलेगा इस हदीस के बारे में गलतफहमी क्या है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। चलें, ऑलराइट, अगला कॉलर है सोनू, सोनू साहब, जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। मैंने मुफ्ती साहब एक सवाल पूछना था, ये कुरान 3146, ये कातिल और कुतिला वाला, ये मुझे समझा दें। कातिल और कुतिला वाला कौन कौन सी सूरत है भाई? सूरह इमरान आयत नंबर 146, आल इमरान। अच्छा, ये ईसाइयों का बड़ा मशहूर एतराज है जिस पर उन्होंने उनको घेरने की कोशिश की, शेख उस्मान को, है वही है क्या? जी जी वही। अच्छा अच्छा, आयत नंबर क्या है? 146। अच्छा, ये बेचारे, आपको नहीं कह रहा हूँ, ये जो ईसाई होते हैं ना, ये नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ सोनू साहब, मैं एक बात कमेंट कर रहा हूँ कि ईसाइयों के यहाँ ये होता है कि ये कुरान की किसी चीज को देखते हैं, इनको लगता है कि यहाँ एतराज हो रहा है। एक तो ये कि इनको समझ में नहीं आता, और उसके बाद फिर मुलहिद जो है फौरन इनका थूका हुआ चाट लेते हैं और उठा लेते हैं वो ये तराज। मुलहिदों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो खुद रिसर्च कर सके। ईसाइयों को भी दाद देता हूं कि ईसाई कम से कम रिसर्च करके तराज करता है, मानता नहीं है। अच्छा, ये आयत है वकई मिन नबीयिन कातला माहू रिबियून कसीर। अच्छा, और दूसरी किरात में क्या है? वकई मिन नबीयिन कुतिला माहू रिबियून कसीर। ठीक है जी, अब इसमें मुझे एतराज बताइए क्या है। एक पे वो लिखा है कि है फोर्ट, और एक पे लिखा है कि मतलब किल्ड लोग पे थे। अच्छा, रिबियून कसीर, रिबियून किसे कहते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, हिब्रू में रिबी रबाइस, रबाइस बोलते हैं ना, तो वही रिबियून है। अच्छा, रिबियून का जो तर्जुमा है वो है अल्लाह वाले। तो वकाईब में नबीन, कितने सारे पैगंबर हैं जिनके साथ मिलकर बहुत से अल्लाह वालों ने जंग की। तो जब जंग होगी, मसलन आप जंग कर रहे हैं, आप जो है वो कमांडर हैं, आपके साथ फौजी हैं, तो फौजी आपके साथ जंग करेंगे भी और मरेंगे भी। कुछ फौजी सिर्फ जिंदा रह जाएंगे, कुछ मर जाएंगे, राइट? ऐसा ही तो होता है ना जंग में। तो अल्लाह ताला ने दोनों बातें बयान की, एक किरात में एक बात, दूसरी किरात में दूसरी बात, के कितने ही नबी हैं कि जिनके साथ मिलकर बहुत से अल्लाह वालों ने जंग की, और कितने ही नबी हैं कि जिनके साथ मिलकर अल्लाह वालों ने जंग की और वो शहीद हो गए। दोनों बातें आ गई, चूंकि दोनों ही बातें कुरान की एक आयत है हजरत, जिसमें अल्लाह ने एक ही आयत के अंदर कहा यक्तुलून व युक्तलून जी, कि वो जब वो जिहाद करते हैं, किताल करते हैं, वो कत्ल करते भी हैं और कत्ल होते भी हैं, होते भी हैं। ये बिल्कुल एकदम नेचुरल सी बात है। इन दोनों बातों को इन दोनों किरातों के अंदर जमा कर दिया गया है, और एक अंदर किताल की फजीलत और शहादत की फजीलत भी बयान कर दी गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबरदस्त पॉइंट है, जबरदस्त पॉइंट। जी हाँ, हो गया मसला हल सोनू साहब। एक और वेरिएंट भी आता है कि जी, अच्छा वो एक और वेरिएंट भी आता है कि उबैय इब्ने काब के वेरिएंट में 116 सूरतें थी और अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के उसमें 111 सूरतें। नहीं, वो इस एतराज को आज तक साबित नहीं किया जा सका, इस एतराज को आज तक साबित नहीं किया जा सका। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के जो करीब तरीन और मोस्ट रिलायबल स्टूडेंट्स थे, उनके पास जो मसाहिफ थे उसमें उतनी ही सूरतें थी जितनी हमारे पास है। एक और भी एक वेरिएंट है उबैय इब्ने काब। सोनू भाई, एक चीज उसमें ऐड कर देता हूं, मैं आदर चाहता हूं, आइए आप इब्ने मसूद वाली जो आप बात कर रहे हैं, वैसे तो मुफ्ती साहब ने उसमें मेरे ख्याल से कैटेगोरिकल बात कर दी है, बड़ी जबरदस्त है। इब्ने मसूद का जो ये मसला है ना जो पेश किया गया है, ये तो है घड़ंतू है वैसे, मगर इसको डील किया है मुख्तलिफ लोगों ने जो कुरान की किरात, वो कहते हैं इब्ने मसूद ने मसफ की हद तक, तो चलो एक मिनट के लिए, यानी इस तरह भी जवाब दिया कि एक मिनट के लिए मान लिया जाए
کہ معوذتین ان کے پاس موجود نہیں تھیں, تو انہوں نے اس کو قرآن کا منزل من اللہ اور قرآن کا حصہ ہی مانتے تھے, مصحف کا حصہ نہ, یعنی ایک طرح سے یہ جواب بھی مصحف کا حصہ. اسے ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے کسی بندے کے قرآن جو ہے وہ 30 پاروں پر ہے مگر ایک گھر کے اندر آپ کو 5 پارے 6 پارے نظر آتے ہیں, کہتے ہیں اس کو بھی قرآن ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے پاس پنچ سورہ چھپی ہوئی ہوتی ہے نا. یس, پنچ سورہ, سورہ یاسین, سورہ کاف. یہ کہنے لگے کہ نہیں پنچ سورہ میں جو ہے بھائی سورہ ملک بھی ایڈ کر دو, تو سامنے والا کہے گا نہیں جی مجھے تو پنچ سورہ ہی چاہیے, مجھے سورہ ملک نہیں چاہیے. ایسے ہی جی. ٹھیک ہے, لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اگر ہم اس آبجیکشن کو ویلڈ مان لیں, وہ تو آبجیکشن ہی ویلڈ نہیں ہے. جی جی جی. اس میں سونو بھائی دیکھیے, جس ٹائم قرآن جو جمع کیا گیا نا حضرت عثمان کے ٹائم پہ, کسی نے کوئی آبجیکشن کیا ہی نہیں ہے. کہیں کوئی نوٹڈ ہوا تو آپ مجھے بتائیے, کس کا کوئی آبجیکشن نہیں ہے, سب کا یہی کہنا تھا یہی قرآن ہے جو آج ہمارے پاس ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. چلیں ٹھیک ہے سونو صاحب. اچھا آخری, اس کے بعد اچھا اچھا ایک آخری آیت بس, ایک سورہ عذاب کی آیت نمبر 6 جس پہ وہ کہتے ہیں کہ وہوا اب الحم, یہ لفظ مطلب نہیں آ چل گئے قرآن میں. وہوا اب الحم سورہ احزاب میں. اچھا ٹھیک ہے, تو اعتراض پورا کر دیجئے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. اعتراض پورا کر دیں, مطلب یہ جیسے آج حبس میں پوری آیت ہے, میں انگلش میں آپ کو بتاتا ہوں. The prophet is closer to the believers than their own slaves and his wife are their mothers. اور عبی ابن کعب میں یہ اضافی ہے کہ the prophet is closer to the believers than their own slave and he's the father to them. یہ is the father. مطلب عبی ابن کعب کی جو یہ قرات ہے, یہ قرات متواترہ ہے. بتائیے کیا نہیں عبی ابن کعب کی جو قرات ہے وہ قرات متواترہ ہے, ماس ٹرانسمیشن کے ساتھ جو آئی ہے. وہوا ابو لہم, وہوا ابو لہم, یہ جو آپ نے اضافہ کیا ہے یہ عبی ابن کعب کی قرات قرات متواترہ ہے؟ نہیں ہے, یہ قرات احاد میں ہے. اور قرات احاد بھی اس لیے مان لیا گیا کہ عبی ابن کعب نے تفسیر کی ہے. بھائی ظاہر ہے کہ جب مومنین امہات المومنین مومنین کی مائیں ہوں گی تو آٹومیٹیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے روحانی باپ ہوں گے, تو اس کی انہوں نے تفسیر کی ہے. یہ اضافہ نہیں ہے قرآن میں. چلیں شکریہ بہت بتا. چلیں اچھا سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ, صداقت